वीडियो में हम सीखेंगे 10 अहम जुमले जो किसी से किसी की बात किसी की राय तजवीज़ के साथ या किसी मुआहदे से इख्तलाफ़ करने पर आप डिसएग्री अपनी ज़ाहिर करते हैं अपना इख्तलाफ़ ज़ाहिर करते हैं कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं तो किस तरह बोलेंगे। आज हमारे पास 10 अहम जुमले हैं 1 से लेकर 10 तक और जिसमें से 4 ऐसे जुमले हैं जिसमें आप 50% डिसएग्री होते हैं और 5 से 10 तक ऐसे सेंटेंसेस हैं जिससे आप 100% डिसएग्री हैं इख्तलाफ़ करते हैं। तो वो अगर आपसे पूछता है कि डू यू अग्री, क्या आप इस बात से इतफाक़ करते हैं इस राय से मेरी तजवीज़ ओपिनियन से, तो कैसे कहेंगे डिसएग्री के लिए? नंबर वन है आई सी व्हाट यू मीन, बट आई सी व्हाट यू मीन, मुझे पता है व्हाट यू मीन कि आपका क्या मतलब है आपकी क्या ओपिनियन है, बट लेकिन आई एम नॉट 100% अग्री, आगे फिर लगा सकते हैं आप। और नंबर टू पे आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया हूँ समझता हूँ या समझती हूँ, बट लेकिन आप बताएँ कि कौन से उस पर आपको इख्तलाफ है। नंबर थ्री पे आई अग्री विद यू, मैं आपके से इतफाक़ करता हूँ या मुतफिक हूँ, मैं आपसे मुतफिक हूँ, अग्री विद यू अप टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक, यानी उनसे जो मुआहदा हुआ उनमें से एक पॉइंट तक तो आपके साथ मैं अग्री हूँ। हाउएवर, ताहम जो आगे कुछ पॉइंट्स हैं उस पर मैं अग्री नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। और नेक्स्ट नंबर फोर पे आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, यानी मैं इस पे जो आप कहते हैं कि डू यू अग्री कि आप मुत्तफिक हैं, तो आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, मैं इसके बारे में यानी यकीन से नहीं कह सकता या यकीन से नहीं कह सकती। और नंबर फाइव पे आ गई 100% डिसएग्री करने के लिए। नंबर फाइव पे है आई डोंट फील द सेम, मतलब मुझे ऐसा महसूस नहीं होता जिस तरह आप बता रहे हैं, आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आई डोंट फील द सेम, मुझे ऐसे नहीं लगता, यानी 100% मैं डिसएग्री करता हूँ या करती हूँ। और नंबर सिक्स पे एक्चुअली आई डोंट क्वाइट अग्री, मतलब मैं बिल्कुल असल में मैं बिल्कुल भी आपसे इख्तलाफ यानी इतफाक़ नहीं करता या नहीं करती, यानी 100% इख्तलाफ है, डिसएग्री करता हूँ या करती हूँ। और उसके बाद नंबर सेवन पे आई एम अफ्रेड आई डोंट अग्री विद यू ऑन दैट, यानी मैं माजरत खां हूँ। आई एम अफ्रेड का मतलब बनता है लफ्जी मतलब ये बनता है कि मैं डर गया हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, ऐसे मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब आई एम अफ्रेड उस लिए कहते हैं जैसे पोलाइट करने के लिए, जुमले को नरमी पैदा करने के लिए, शाइस्ता बनाने के लिए, आई एम अफ्रेड यानी मैं माजरत खां हूँ। आई डोंट अग्री विद यू ऑन दैट, मैं इस पर आपसे इतफाक नहीं कर सकता, मुतफिक नहीं हूँ। आई डोंट अग्री विद यू ऑन दैट, ठीक है, मैं माजरत खां हूँ, आई एम अफ्रेड यानी कि आई डोंट अग्री विद यू ऑन दैट। और नंबर एट पे है रिस्पेक्टफुली आई हैव टू डिसएग्री, यानी बहुत ही इज्जत के साथ एहतराम के साथ आई हैव टू डिसएग्री, मुझे इख्तलाफ करना पड़ता है या करना पड़ा है, आई मतलब माजरत के साथ भी और एहतराम के साथ भी, रिस्पेक्टफुली आई हैव टू डिसएग्री, मैं बहुत ही यानी कि माजरत के साथ यानी एहतराम के साथ कहता हूँ या कहती हूँ कि आई हैव टू डिसएग्री, मुझे इख्तलाफ है इस पर। और नंबर नाइन पे है दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, ये नहीं है, हाउ आई सी इट, जैसे कि मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ या जिसने जैसे मैंने सोचा हुआ है मैं समझा हुआ है, ये वैसा आपकी राय वैसी नहीं है, तो इसमें मैं 100% डिसएग्री करता हूँ या करती हूँ। और नंबर टेन पे आई एम सॉरी के साथ आई टोटली डिसएग्री विद यू, यानी मैं माजरत चाहती हूँ या चाहता हूँ, आई टोटली डिसएग्री विद यू, मैं मुकम्मल तौर पर आपके साथ इख्तलाफ करती हूँ, डिसएग्री हूँ यानी इतफाक़ नहीं करता या नहीं करती। तो ये 10 हमारे हो गए जुमले कंप्लीट, ये बहुत ही आसान है, अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको दोबारा बार बार देख सकते हैं वीडियो को, बहुत ही अब थोड़ी देर में याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, वैसे आमतौर पे होता नहीं है शेयर करते नहीं है फेसबुक के अलावा, हाँ अगर फेसबुक पर हैं तो कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।